Hello friends, in today's class we are going to do goodwill in the balance sheet of a subsidiary company, how to treat it in the consolidated balance sheet. If the goodwill is already existing in the balance sheet of the subsidiary company, then this will be added to the goodwill or cost of control arrived at by elimination. Aggregate of the two will be shown in the consolidated balance sheet. I will explain it कि अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर सब्सिडरी कंपनी के कॉलम में गुडविल दी गई है, इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी की गुडविल पहले से बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है. आप कंसोलिडेशन की प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं, गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व निकालते हैं बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विद द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड deducting therefrom the share in the pre-acquisition profits as capital profits or the revaluation profits as the capital profits, and the net result will be either goodwill or capital reserve. यहाँ से जो आपको goodwill या capital reserve मिलेगा उसमें उस goodwill को आप add कर दोगे जो balance sheet में दी गई हैं. अगर यहाँ आपका capital reserve आता है और वहाँ goodwill आई है तो goodwill में capital reserve exists एडजस्ट कर दिया जाएगा और हायर ऑफ द टू जो भी रिमेनिंग होगा कैपिटल रिजर्व या गुडविल वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आ जाएगा. तो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल इन द बैलेंस शीट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी. नाउ इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास वी वर डूइंग द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडरी कंपनी टू द होल्डिंग कंपनी एंड देयर वी हैव डन वन प्रॉब्लम where the dividend was paid out of pre-acquisition profits and in that case it was rightly recorded. Rightly recorded means it was recorded at its right place, that is in the calculation of goodwill or capital reserve, or we can say that it was credited to the investment in shares. Wo problem hum last class mein kar chuke hain ki agar प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड पे किया जाता है और वो सही रिकॉर्ड किया गया है तो हम क्या करते हैं. आज हमने करना है कि अगर डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से दिया गया है लेकिन वो रॉन्गली रिकॉर्ड किया गया है. रॉन्गली रिकॉर्ड किए जाने का मतलब है कि हमने उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर लिया है. तब हमने आपको बताया था कि आप एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं और वो रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो रॉन्गली क्रेडिट हो गया है आप उसे डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल या कैपिटल रिजर्व. यानी हम उस डिविडेंड को जो कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से सब्सिडरी कंपनी ने पे किया है और होल्डिंग कंपनी ने रिसीव किया है वी टेक इट इन द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. और अगर पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया है तो हम उसको वहाँ से हटाते हैं यानी डेबिट कर देते हैं. दैट विल बी अ रेक्टिफिकेशन एंट्री. नाउ लेट अस डू इलस्ट्रेशन 20 वेयर इलस्ट्रेशन 20 ऑफ योर जे आर मोंगाज़ बुक. इट सेज we are doing a problem of dividend paid from pre-acquisition profits, check in transit and goodwill of subsidiary. That is we will be treating the case jo abhi humne padha ki goodwill agar balance sheet mein di gayi hai subsidiary company ki to hum kya karte hain. Saath mein jo isse pehle humne dividend ke payment ke tareeke aur source pe ye depend karega ki holding company ki books mein use kaise treat kiya jaye वो जो कर रहे थे एक प्रॉब्लम हम कर चुके हैं. आज हम दूसरी प्रॉब्लम करेंगे जिसमें डिविडेंड पेड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं. लेट अस गो थ्रू दिस प्रॉब्लम. जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें है वो क्या है कि एक तो जो शेयर कैपिटल है वो 2 लाख रुपए है यानी 20,000 शेयर्स हैं. इसके अलावा जनरल रिज़र्व और सरप्लस के अंदर जो बैलेंसेस दे रखे हैं सब्सिडी कंपनी के वो 60,000 और 70,000 दे रखे हैं. ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट है. इसके अलावा यहाँ जो दे रखा है
जो और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दी गई है, और वो गुडविल इंटेंजिबल एसेट गुडविल सब्सिडरी कंपनी की 10,000 है और होल्डिंग कंपनी की 40,000 30,000 है। तो ये गुडविल हमें बैलेंस शीट में दे रखी है। अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम हमने नहीं की थी जिसमें बैलेंस शीट में गुडविल भी दी गई हो। इसके अलावा ये शेयर्स खरीदे हैं इसने, होल्डिंग कंपनी ने 16,000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड यानी सब्सिडरी कंपनी में 16,000 शेयर्स खरीदे हैं और उनकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,90,000 है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट है। उसके अलावा और क्या कहा गया है कि व्हेन कंट्रोल वाज एक्वायर्ड एस लिमिटेड हैड 40,000 इन जनरल रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ 30,000। यानी डेट नहीं दी गई है, ये कहा गया है कि जब शेयर्स एक्वायर किए गए थे तब जनरल रिजर्व में एस लिमिटेड के 40,000 रुपये थे और सरप्लस में 30,000 थे। इसका मतलब है कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ये बैलेंसेस एग्जिस्ट कर रहे थे, तो नेचुरली ये आपके प्री एक्विजिशन होंगे। उसके बाद प्रॉब्लम में कहा गया है कि इमीडिएटली ऑन परचेजेस ऑफ शेयर्स यानी जैसे ही शेयर्स खरीदे, एच लिमिटेड रिसीव्ड 16,000 एज डिविडेंड फ्रॉम एस लिमिटेड। जैसे ही एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर्स खरीदे वैसे ही उसे 16,000 रुपये डिविडेंड के फॉर्म में मिले। अब जैसे ही शेयर्स खरीदे आपको 16,000 रुपये डिविडेंड के फॉर्म में मिले, तो नेचुरली ये कहाँ से पे किया गया होगा डिविडेंड? ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से ही पे किया गया होगा ना, क्योंकि जैसे ही आपने शेयर्स खरीदे वैसे ही आपको डिविडेंड मिल गया, तो इट मस्ट हैव बीन पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। बट आगे द प्रॉब्लम सेज that it was received as dividend from S Limited which was transferred to profit and loss statement, जिसको profit and loss statement में transfer कर दिया गया यानी profit and loss account credit कर दिया गया। और अब ये पता है कि अगर pre-acquisition profit में से dividend pay किया जाए और वो profit and loss account में credit कर दिया जाए तो ये गलत है, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट्स हैं, हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होगी और वो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल। इसके अलावा एक और बात इसमें की गई है कि डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड। डेटर्स एच लिमिटेड के जो हैं वो कहते हैं कि 20,000 रुपया एस लिमिटेड से ड्यू है, लेकिन जो क्रेडिटर्स एस लिमिटेड के हैं वो शो करते हैं कि 15,000 देना है एच लिमिटेड को। इसका मतलब द डिफरेंस ऑफ 5,000 बीइंग अकाउंटेड फॉर बाय चेक इन ट्रांजिट। 5,000 रुपये का मतलब पेमेंट एस लिमिटेड ने तो कर दिया लेकिन वो एच के पास नहीं पहुंचा, इसका मतलब वो चेक इन ट्रांजिट है। तो हम 15,000 रुपये को तो कॉमन डेट की तरह से एलिमिनेट करेंगे डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों में से, और 5,000 रुपये को हम ऐसे चेक इन ट्रांजिट शो करेंगे कि उसने पेमेंट कर दिया है, तो वो चेक इन ट्रांजिट जो है कैश का इक्वलेंट हो गया और वो आने ही वाला है, इसलिए हम उसे कैश इन कैश के साथ में चेक इन ट्रांजिट शो कर देंगे। वो मैं भी आपको और दिखाऊंगे। पहले हम अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस डू दैट। As you all know, in every problem relating to consolidation of accounts, we have to find out the pre-acquisition profits and reserves. अभी मैंने आपको दिखाया था कि on the date of acquisition, there was 40,000 in the general reserve, right? Pre-acquisition general reserve 40,000 है। उससे पहले share capital कितनी है? 2,00,000 है, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 20,000 हुए एस लिमिटेड के, जिसमें से एच लिमिटेड ने 16,000 शेयर्स एक्वायर किए, तो उसका जो प्रपोर्शन, और 4,000 शेयर्स इसका मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास हैं, तो इनका जो रेशो हुआ वो हुआ 1/5 एंड 4/5। इन दिस प्रपोर्शन वी विल डिवाइड ऑल द प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। सो प्री एक्विजिशन रिजर्व यानी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन देर वॉज 40,000 रुपीज इन द जनरल रिजर्व, एंड देन द प्रॉब्लम इज इमीजिएटली ऑन परचेज ऑफ शेयर्स एच लिमिटेड रिसीव रुपीज 16,000 एज डिविडेंड फ्रॉम एस लिमिटेड।
As it received immediately on purchase, it means it must have been paid from pre-acquisition profits. ये मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि प्रॉब्लम में दिया गया है जैसे ही उसने शेयर्स खरीदे वैसे ही 16,000 रुपया रिसीव किया. तो जब 16,000 रिसीव किया एज डिविडेंड, तो ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से पे किया गया होगा. तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स यानी सरप्लस कितना दे रखा था बैलेंस शीट में, प्रॉब्लम में दे रखा है कि देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 30,000 व्हेन द शेयर्स वर एक्वायर्ड. तो ये 30,000 सरप्लस में थे. इस सरप्लस में से डिविडेंड पे किया होगा सब्सिडरी कंपनी ने. तो हम रिजर्व में से नहीं घटा रहे डिविडेंड पेड को, हम किस में से घटा रहे हैं, सरप्लस में से घटा रहे हैं. और हम 20,000 घटा रहे हैं. 20,000 इसलिए घटा रहे हैं कि कंपनी ने, एच लिमिटेड ने तो 16,000 रिसीव किया है, लेकिन एस लिमिटेड ने तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी पे किया होगा. तो टोटल उसके शेयर्स जो थे वो 20,000 थे. हम कैसे निकालेंगे, सिंस ऑन 16,000 शेयर्स इट हैज़ रिसीव 16,000 एज डिविडेंड, इट मींस ऑन 20,000 शेयर्स विच वर इट्स टोटल शेयर्स इट मस्ट हैव पेड 20,000 रुपीज़ एज डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन सरप्लस. जिसमें से 4,000 रुपये डिविडेंड उसने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को दिया होगा और 16,000 होल्डिंग कंपनी को दिया होगा. तो इस तरह से हमने इस 20,000 रुपये को डिडक्ट करना है किसमें से, प्री एक्विजिशन सरप्लस में से. कि 30,000 एग्जिस्ट तो कर रहे थे लेकिन उसके बाद में इमीडिएटली बाद उसने डिविडेंड पे किया है, तो उसने उस सरप्लस में से ही किया है. तो जो सरप्लस बची है वो 10,000 है. तो प्री एक्विजिशन सरप्लस 10,000 रह गई और प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व 40,000 है. अब हमने इस 40,000 के भी दो हिस्से करे, वन बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड द अदर बिलोंगिंग टू द होल्डिंग कंपनी, 1/5 एंड 4/5. और इस 10,000 के भी हमने दो हिस्से करे, 1/5 एंड 4/5. 8,000 होल्डिंग के हिस्से में आया और ये इसके हिस्से में आया, राइट. अब ये जो 8,000 है ये जाएगा इन द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और ये जो 32,000 है ये जाएगा इन द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, राइट. दिस इज़ व्हाट वी हैड बीन डूइंग. अब हम आते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स पर. पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स के लिए बैलेंस शीट में दिया गया था, ये देखिए कि प्री एक्विजिशन सरप्लस एज ऑन 31st मार्च 2017 70,000 है, राइट. इस 70,000 में से, ये 70,000 हमारे को दे रखा है एज ऑन 31st मार्च 2017. और जब डेट पर शेयर्स एक्वायर किए हैं होल्डिंग कंपनी ने, तब 30,000 सरप्लस थी जिसमें से डिविडेंड पे कर देने के बाद 10,000 रह गई. तो हम इस 10,000 को इसमें से घटा रहे हैं, 70,000 में से इस 10,000 को घटा रहे हैं टू फाइंड आउट द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स. ये देखो यहाँ पर हम 31st मार्च 2017 का 70,000 ले रहे हैं लेस प्री एक्विजिशन सरप्लस आफ्टर डिविडेंड पेमेंट विच इज़ 10,000 रुपी. ये वही 10,000 है जो अभी मैंने ऊपर आपको कैलकुलेट करके बताया था, राइट. इसमें से, इस 70,000 में से आपने ये 10,000 घटाया तो आपके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितने हो गए, 60,000 रुपये हो गए. दीज प्रॉफिट्स यू हैव अर्नड आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय द होल्डिंग कंपनी. इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स को आपने दो हिस्सों में बांटा, 1/5 12,000, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा, और 48,000 टू बी एडेड इन द सरप्लस ऑफ एच लिमिटेड. क्योंकि ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं तो ये एच लिमिटेड की जो सरप्लस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो की जाती है उसमें ऐड होगा. लेट मी शो यू, इस 48,000 को मैं आपको यहीं दिखा देती हूँ. ये देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सरप्लस ऑफ एच लिमिटेड 90,000 और उसमें ये वाला 48,000 जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये बैलेंस शीट में ऐड किया जाएगा अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट. अभी हम इसको यहीं रहने देते हैं. अब हम आते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स पर. पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में आपके कितना बैलेंस दिया गया है प्रॉब्लम के अंदर, ये देखिए 60,000 रुपये. तो हमने लिया पोस्ट एक्विजिशन
पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में एज ऑन 31 मार्च 2017 बैलेंस इज 60,000, और बैलेंस एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन जो दिया गया था ऊपर, ये 40,000 तब एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये 40,000 उस समय एग्जिस्ट कर रहा था जब ये शेयर्स एक्वायर किए गए थे, डेट कोई नहीं दे रखी है, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 रुपीज़ के जो रिजर्व्स हैं दे आर ट्रांसफर ड्यूरिंग 2016 से ट्रांसफ़र टू रिज़र्व हुआ, यानी ट्रांसफ़र टू रिज़र्व ये कब हुआ, आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन वी कैन से ट्रांसफ़र टू रिज़र्व आफ्टर वी विल से ट्रांसफ़र टू रिज़र्व आफ्टर एक्विजिशन ये हुआ 20,000, क्योंकि जब एक्विजिशन के टाइम 40,000 थे और 31 मार्च 2017 को 60,000 हो गए, तो ये जो 20,000 का एडिशन इसमें हुआ दैट इज़ अ ट्रांसफ़र टू रिज़र्व आफ्टर एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन है। तो हमने इस पोस्ट एक्विजिशन रिज़र्व को दो हिस्सों में बांटा, होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी। माइनॉरिटी वाला माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा 1/5, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा, और 4/5 दिस इज़ टू बी एडेड इन द जनरल रिज़र्व ऑफ एच लिमिटेड, ये जनरल रिज़र्व में ऐड होगा, ठीक है, ये जनरल रिज़र्व में टू बी एडेड इन जनरल रिज़र्व ऑफ एच लिमिटेड कितना है 16,000। लेट मी शो दिस ऑल्सो कि जनरल रिज़र्व ऑफ एच लिमिटेड इज़ गिवन इन द बैलेंस शीट 80,000, और उसके अंदर ये 16,000 ऐड किया गया है, ये वही 16,000 है जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, 16,000 टू बी एडेड इन द जनरल रिज़र्व ऑफ एच लिमिटेड। तो आपने 80,000 में ये 16,000 ऐड करके दिखाया, किस में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट ऑल्सो। नाउ लेट अस मूव फर्दर। बिफोर वी मूव फर्दर, इफ़ वी सी इन द प्रॉब्लम, अब कौन कौन सा कॉम्पोनेंट गुडविल के कैलकुलेशन में जाएगा, इसलिए मैंने, क्योंकि हमेशा एक तो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स होते हैं, एक प्री एक्विजिशन सरप्लस होती है, फिर एडिशनल प्री एक्विजिशन रिजर्व्स और एडिशनल प्री एक्विजिशन सरप्लस हो सकते हैं, और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स और पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस होते हैं। ये सारे कॉम्पोनेंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाते हैं। लेट अस सी कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 4,000 शेयर्स हैं, 4,000 शेयर्स की जो पेड अप वैल्यू है वो 40,000 है। अब मैंने यहाँ ये वाला जो हिस्सा था किस में, प्री एक्विजिशन जर्नलिज्म में, इसको मैंने पहला नंबर दिया, और ये पहला नंबर सपोजिंग यहाँ चला गया 8,000, राइट। दूसरा हिस्सा यहाँ 10,000 के हमने दो हिस्से किए थे, और इसका जो 2,000 है ये, इसको मैंने दो नंबर दिया, और ये दो नंबर यहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा हिस्सा ये था जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का था, 12,000, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाना है, इसको मैंने तीन नंबर दिया है, और ये तीन नंबर यहाँ चला गया। और फिर ये पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स 4,000, ये भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा, और इसको मैंने चार नंबर दिया है, ये चौथा कॉम्पोनेंट भी इसमें चला गया, और इन सबको हमने टोटल किया तो हमारा आया 66,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो लेट मी शो यू, येस, दिस माइनॉरिटी इंटरेस्ट हेयर इज 66,000। इज दिस क्लियर? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल we are given the cost of investment was 1,90,000, right? 1,90,000 आपको दिया गया था प्रॉब्लम में, ये 16,000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड एक्वायर्ड एट 1,90,000, तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,90,000। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी है, 1,60,000, यानी आपने 190 पे किया, 160 आपकी पेड अप वैल्यू है, तो रिज़ल्ट क्या आया, गुडविल 30,000 रुपये आया। अब आपको याद है कि प्रॉब्लम में दिया गया था कि जैसे ही इसने शेयर्स एक्वायर किए
वैसे ही इसको 16,000 रुपये का डिविडेंड मिला, और क्योंकि इट वॉज इमीजिएटली रिसीव्ड और हमने एज्यूम किया था कि इट मस्ट हैव बीन पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, और जब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से कोई डिविडेंड पे किया जाता है और होल्डिंग कंपनी के द्वारा रिसीव किया जाता है, तो इट गोज़ टू द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल एज बीइंग ऑफ कैपिटल नेचर, और अगर वो नहीं गया है तो आप उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ले जाते हैं बाय पासिंग दी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। लेकिन यहाँ आपको प्रॉब्लम में कहा गया था कि डिविडेंड वॉज रिसीव्ड एंड इट वॉज टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इट वॉज टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अगर रिसीव तो आपने उसे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से किया, लेकिन गलती से आपने उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो हमें एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होती है, और रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल को क्रेडिट करते हैं। तो ये 16,000 जो डिविडेंड के फॉर्म में रिसीव किया गया है, इट हैज़ टू गो टू द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो हम यहाँ गुडविल निकाल रहे हैं, अभी हमने 190 और 160 का डिफरेंस लेकर 30,000 गुडविल निकाली थी। अब ये 16,000 जो डिविडेंड रिसीव किया है फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स है, इसलिए इट विल गो इन द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये एक तरीके से आपने जैसे ही शेयर्स खरीदे आपको 16,000 रुपये का फ़ायदा हो गया, और वो भी कैपिटल नेचर का फ़ायदा हुआ क्योंकि आपको डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से पे किया गया, तो ये गुडविल रिड्यूस हो गई, जो 30,000 थी उसमें से आपने ये 16,000 माइनस कर दिया, फिर भी रिजल्ट आपका गुडविल ही आया। अभी हमारे इस गुडविल में से शेयर इन द कैपिटल प्रॉफिट्स एडजस्ट करने हैं, जो अभी हम पीछे कैलकुलेट कर कर आए हैं, और आपको याद होगा कि हमने यहाँ निकाला था 32,000, इसको हम नंबर वन दे रहे हैं, इसको हम ले जाएंगे व्हाट इज़ दिस शेयर इन प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व। तो ये शेयर इन प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व हम माइनस करेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसके बाद शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, ये दूसरा नंबर हमने दिया था, इट विल गो टू द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो ये 8,000 भी हम कहाँ ले जाएंगे, इन द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, राइट। तो ये 40,000 रुपये हमने इसमें से माइनस करने हैं। व्हाट आर दीज, दीज आर कैपिटल प्रॉफिट्स, दीज आर द शेयर इन द प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड शेयर इन द प्री एक्विजिशन सरप्लस। तो 40,000 हो गया, 14,000 यहाँ गुडविल है और 40,000 आपका कैपिटल प्रॉफिट है। तो जब कैपिटल प्रॉफिट ज़्यादा हैं और कैपिटल लॉस या गुडविल कम है, तो रिज़ल्ट क्या हुआ, कैपिटल रिजर्व फिर से आया। तो हमारा जो आंसर आया वो आया कैपिटल रिजर्व 26,000, राइट। अभी तो ये पहली स्टेज है, 26,000 आया। अब इस मेथड से जो हमने अभी तक निकाला, हमारा कैपिटल रिजर्व या गुडविल जो भी आया वो 26,000 आया। उसके बाद इस प्रॉब्लम में एक एडिशनल और चीज़ दे रखी है कि बैलेंस शीट में एच लिमिटेड की भी गुडविल है और सब्सिडरी की भी गुडविल है। तो गुडविल ऑफ एच लिमिटेड एंड बैलेंस शीट 30,000, इसे आप ऐड करेंगे। गुडविल ऑफ एस लिमिटेड इन बैलेंस शीट 10,000। जैसे हम सारे एसेट्स को, टेंजिबल एसेट हो या लाइबिलिटीज़ हो, सबको हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड करके शो करते हैं, तो यहाँ हमने गुडविल को भी ऐड किया, एच की भी गुडविल को ऐड किया, एस की गुडविल को भी ऐड किया, और गुडविल 40,000 आ गई। अब हम किसी एक बैलेंस शीट के अंदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों नहीं शो कर सकते हैं। अभी हमारा ऊपर आया 26,000 रुपये कैपिटल रिजर्व, और इन दोनों को टोटल करके हमारा आया, इन दोनों को टोटल करके 30 और 10 को 40,000 रुपये गुडविल आई। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व में से बैलेंस शीट में एक ही चीज़ अपीयर होती है, तो हमने 40,000 जो हमारा गुडविल था उसमें से, ये जो गुडविल था इस 40,000 में से इस 26,000 को एडजस्ट किया। सो CR ऑफ 26,000 विल बी एडजस्टेड फ्रॉम गुडविल, और 40,000 में से ये 26,000 निकाला, तो रिजल्टेंट फिगर अगेन इज़ गुडविल, और वो गुडविल 14,000 बैलेंस शीट में शो की जाएगी, टू बी शोन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। लेट मी शो यू हाउ दे हैव ट्रीटेड इट। दिस इज़ 14,000,
They have shown it 190 minus 160 is 30,000, and out of that capital profits वगैरह घटाकर ये 14,000 रुपए will be the resultant figure of goodwill to be shown in the balance sheet. तो आप ये देखो बैलेंस शीट में 14,000 रुपए शो कर रहे हो, हमने ये 14,000 निकाला है, राइट. और इस प्रॉब्लम में और क्या पॉइंट रह गया, तो नाउ इस प्रॉब्लम में हमने गुडविल वाला पॉइंट भी ट्रीट कर लिया. अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री वाला पॉइंट हमने और करना है कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो गया है और हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की, तो हमने टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो यहाँ कर लिया, लेकिन अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें डेबिट करना है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड विच इज़ रॉन्गली क्रेडिटेड विल बी डेबिटेड बाय 16,000. इसका मतलब हम एच लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 16,000 को माइनस करेंगे. तो लेट मी शो दिस हाउ यू आर शोइंग. ये रिज़र्व एंड सरप्लस है, जनरल रिज़र्व एच लिमिटेड में से अभी मैंने बताया था वो पोस्ट एक्विजिशन रिज़र्व में जो शेयर गया 16,000, पहले मैं बता चुकी हूँ अभी आपको. उसके बाद सरप्लस आपने शो की एच लिमिटेड की 90,000, उसमें पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस में एच लिमिटेड का जो शेयर था 48,000 वो आपने ऐड किया. और फिर माइनस क्या कर रहे हो, ये डिविडेंड पेड जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है, दिस इज़ अ रेक्टिफिकेशन एंट्री, 16,000, यानी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं. इसको आप 16,000 को पहले भी माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो सरप्लस दे रखी है एच लिमिटेड की 90,000 दे रखी है, हम 90,000 में से 16,000 पहले घटा दें और ये 48,000 बाद में ऐड कर दें, रिजल्ट सेम आएगा. सो बट आई वॉन्टेड टू शो यू द ट्रीटमेंट दैट दिस इज़ अ रेक्टिफिकेशन एंट्री, द रिजल्ट ऑफ दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. तो हम कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में उसे ले गए हैं. इसके अलावा इस प्रॉब्लम में एक और जो बात की गई थी वो है कि 20,000 और 15,000, ये था ना, डेटर्स 20,000 थे और क्रेडिटर्स 15,000 थे, राइट. और उसको मैंने आपको बताया था कि चेक इन ट्रांजिट, ये कहा गया है कि चेक इन ट्रांजिट ट्रीट करो. तो आप देखो डेटर्स में से हमने 15,000 ही निकाले, राइट, या 15,000 म्यूचुअल ओइंग 15,000 निकाले. फिर यहाँ पर हमने जो क्रेडिटर्स थे ये आपके ट्रेड क्रेडिटर्स में से 15,000 निकाले और ट्रेड रिसीवेबल 20,000 शो कर रहा है. तो 20,000 में 15,000 तो म्यूचुअली कैंसिल हो गया और ये 5,000 जो है वो चेक इन ट्रांजिट है. तो इस तरीके से उसके ये 20,000 उसमें से लेस हो रहे हैं. तो हमने यहाँ ये 15,000 और 15,000 ये तो म्यूचुअल ओइंग हो गए, और ये जो चेक इन ट्रांजिट है ये चेक इन ट्रांजिट यहाँ शो किया जा रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, यानी एच लिमिटेड एस लिमिटेड और एस लिमिटेड ने इसका पेमेंट किया हुआ है. तो वो 5,000 रुपये ये चेक इन ट्रांजिट है जो कि एस ने पे कर दिया है और एच को रिसीव करना है. तो वी आर शोइंग इट हेयर. सो दिस 5,000 चेक इन ट्रांजिट इज़ बीइंग शोन अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑल्सो एंड इट इज़ बीइंग शोन अंडर द हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ऑल्सो चेक इन ट्रांजिट. दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ goodwill in the balance sheet of the subsidiary company, pre-acquisition profits being paid by the subsidiary, right, dividend paid out of the pre-acquisition profit by the subsidiary, and it is being wrongly recorded in the profit and loss account. How to pass a rectification entry and treat in the consolidated balance sheet, that is what we have understood in this illustration, and how the goodwill given in the balance sheet is to be treated. This is to be combined and is to be adjusted in the goodwill calculated by us, so that only one figure of goodwill or capital reserve will appear in the balance sheet, consolidated balance sheet. That is all regarding this treatment of dividend paid out of pre-acquisition profits wrongly recorded in the books of accounts of the holding company. Thank you.